Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hi, a very good evening everyone. And आज हम मॉडल पेपर फिफ्थ आपका जो है वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. आज फिफ्थ सेशन है जिसमें हम लोग आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई बेसिकली जनरल अवेयरनेस के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं डेली, राइट? चलिए भाई. सो सबसे पहले जो भी बच्चे लाइव हैं अभी मुझे बता दें, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एंड उसके बाद शार्प 8 PM से अपना सेशन जो है वो शुरू करेंगे. आज भी काफी कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर्स और कुछ और क्वेश्चंस हम लोग जनरल अवेयरनेस का सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? बता दें मुझे कि हाँ मैम, आप सुनाई भी दे रही हैं और जो आपको क्वेश्चंस हैं वो दिखाई भी दे रहे हैं. ओके है, बहुत बढ़िया. चलिए भाई, तो अपना सेशन जो है उसको शुरू करते हैं. यस, हाँ जी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बताएं विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा कि अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की जा रही है. सो पृथ्वी के महाद्वीपीय क्रस्ट में सबसे प्रचुर खनिज कौन सा है? माइका, पाइरोक्सिन, क्वार्ट्ज या फिर फेल्सपार? बताएं भाई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हाँ जी, सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मिनरल है अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वो कौन सा है? करेक्ट आंसर बताएं बच्चों. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं बता देती हूँ, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है बच्चों, तो फेल्सपर जो है वो आपका इट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें पाया जाता है. सिलिकेट मिनरल का ही तरीके का एक आपका ये क्या बोलते हैं टाइप है. ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आता है? फेल्सपर आता है. सेकेंड नंबर पे आपका क्या आता है बच्चों? क्वार्ट्ज आ जाता है. चलिए नेक्स्ट इज, ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. ध्यान क्या रखना है कि भाई इसमें से निम्नलिखित में से गलत पूछा गया है. एट टाइम्स हम क्वेश्चन ही सही नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर मार्क कर देते हैं. सो पहला क्या है आपका? द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, या नेक्स्ट इज द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ऑप्शन नंबर 3, अ पर्सन ऑफ द एज ऑफ 30 ईयर्स कैन बिकम द गवर्नर. एंड ऑप्शन नंबर 4, द गवर्नर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. बताएं भाई करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ध्यान रखिएगा बच्चों क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है. ठीक है, मैं आपसे करेक्ट पूछ रही हूँ. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, मैं बताती हूँ. हाँ जी भाई, ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि गवर्नर जो है बच्चों वो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और एक जो गवर्नर है ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. और एक पर्सन जिसकी 35 साल से ज्यादा उम्र हो जाएगी उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए गवर्नर. ठीक है, चलिए भाई. और रेजिग्नेशन तो ये अपना किसको? प्रेसिडेंट को सौंपते ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 51, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 65? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बता दें बच्चों, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर 1, योर आर्टिकल नंबर 54. आर्टिकल 54 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डील्स विद द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है बच्चों, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस. आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है, और 65 जो है बच्चों वो वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल रहेगा जब आपके प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेंगे उसकी बात करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द रोलेक्ट एक्ट ऑल अबाउट? रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 वाला बच्चों क्या था? इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू मास टू बैन द इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू बैन ऑल मास प्रोटेस्ट. इट अलाउड द पीसफुल प्रोसेशंस टू टेक प्लेस. इट रिप्रेस्ड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स. और इट वॉज अगेंस्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. बताएं भाई करेक्ट आंसर,
क्या था आपका रोल एक्ट? इसे काला कानून भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर इज, बोले बच्चों, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। पॉलिटिकल एक्टिविटी और डिटेंशन को अलाउ करने के लिए बिना ट्रायल 2 साल के, ठीक है, ये एक्ट ने आपका अलाउ किया था, ठीक। एंड इसी की वजह से जो जितने भी आपके इंडियन मेंबर्स थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके थे, उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट वोट किया था और वहीं से आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विद इन, यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देते हैं तो इस घोषणा के कितने समय के, कितने अंतराल के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? 1 साल, 6 महीने, 3 महीने या 1 महीना, बताएं। आसान सा सवाल है बच्चों ये तो। इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विद इन पार्लियामेंट विद इन, आई एम सो सॉरी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1 मंथ, ठीक है भाई। तीन तरीके की इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और आपका क्या बच्चों, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सो 1 महीने के अंदर अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी आपकी लगती है तो पार्लियामेंट से सैंक्शन जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ विद इन 30 डेज, 1 महीने के अंदर आपका आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन वॉज बिल्ट इन, राष्ट्रपति भवन किस सन में बनाया गया था? 1852, 1929, 1947 या 1986? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बताएं बच्चों कब बनाया गया था राष्ट्रपति भवन? मैं बताती हूँ कब बनाया गया था, जस्ट अ सेकेंड, 1929 में बनाया गया था बच्चों, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, राइट। नेक्स्ट बताएं, इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स इज, लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 630, 530, 430 या 330? करेक्ट आंसर इज, लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर इज, यस, ऑप्शन नंबर 2, 530। ये तो पूरी क्लास को पता है भाई, ठीक है बच्चों। जो 500 टोटल आपके क्या बोलते हैं, 500 ये 30 मेंबर्स जो होते हैं जो डायरेक्टली कहां से आपके होते हैं, स्टेट से चुने जाते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द सिख बिकेम अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ, बताएं किसके नेतृत्व में आपका सिख जो है एक राजनीतिक और सैन्य बल बन गए थे? आपके गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर या गुरु हर हर गोविंद सिंह? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर 4, गुरु हरगोबिंद सिंह। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो सिख जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बने आपके, लीडरशिप किसकी थी? गुरु हरगोबिंद सिंह जी की थी, उनके अधीन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये बताएं, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, ताजमहल के शिल्पकार कौन थे? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाह अब्बास या इस्माइल? बताएं बच्चों, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, शिल्पकार कौन थे? करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे वो एक पर्शियन आर्किटेक्ट थे बच्चों, जिन्होंने ताजमहल जो है वो ताजमहल के शिल्पकार थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2019? विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2019 में विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? बताए। यूके, फ्रांस, इंडिया, यूएसए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 आपका भाई, हमारा देश है ना भारत, ठीक है। तो यूके और फ्रांस को ओवरटेक करके इंडिया जो था वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना आपका। चलिए नेक्स्ट,
इन फरवरी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ग्रास रूट चार्टर ब्रॉन्ज लेवल मेंबरशिप ऑफ द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन? बता दो भाई, भूटान फुटबॉल फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ श्रीलंका, हांगकांग फुटबॉल फेडरेशन या फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? किसने ली बताएं, किसने सदस्यता प्राप्त की थी, सदस्यता, सो सॉरी, फरवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसने एशियाई फुटबॉल परिसंघ की ग्रासरूट चार्टर कांस स्तर सदस्यता प्राप्त की? बताओ बच्चों जल्दी से, करेक्ट आंसर इज, मैं बता देती हूं आपको, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है भाई, सो इसको मिला था, ये भी बच्चों करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन रहा था, तो आपको एज इट इज इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु वन द गोल्ड इन द 87th केजी कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप एट न्यू दिल्ली इन फरवरी 2020? फरवरी 2020 में नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? योगेश्वर दत्त, जीतराम, सुनील कुमार या महाबली शेरा? करेक्ट आंसर इज, किसने जीता बच्चों बताएं जल्दी से स्वर्ण पदक? करेक्ट आंसर इज सुनील कुमार। ठीक भाई, तो सुनील कुमार जो है उन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में आपका पहला जो भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है बच्चों, 87th केजी कैटेगरी में। नेक्स्ट, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी द होस्ट ऑफ फॉर द फीफा आपका अंडर 17 महिला फुटबॉल, है ना, अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 वाला जो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप था वो कहाँ हुआ आपका बताएं, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, शिलोंग या बोथ 1 और 2? करेक्ट आंसर इज, मैं बता देती हूँ बच्चों, 1 और 2 दोनों आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो 18 फरवरी 2020 को बोला गया था कि आपका जो 5 सिटीज में होने वाला था, ठीक, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, नवी मुंबई, राइट, फाइनल जो है वो नवी मुंबई में होना था। नेक्स्ट, ये बताएं हु इनॉग्रेटेड द 7th-12th नेशनल लेवल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, कहां पे, नगरोटा में, बताएं भाई किसने किया था, सरमद हफीज, शबीर चौधरी, हाजी अनायत अली या मोहम्मद असलम कोहली? करेक्ट आंसर इज, मैं बता देती हूँ बच्चों इसका भी करेक्ट आंसर आपको, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इन्होंने आपका क्या किया था, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के सेक्रेटरी थे यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स के, इन्होंने आपका क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट, ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंडियाज फर्स्ट मैपिंग सेटेलाइट, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मैपिंग उपग्रह था, कार्टोसेट 1, आर्यभट्ट, भास्कर 2 या फिर इनसेट 1A? द करेक्ट आंसर इज, बताएं जल्दी से, पहला मैपिंग उपग्रह कौन सा था भारत का, कार्टोसेट, आर्यभट्ट, भास्कर या इनसेट 1A? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सो कार्टोसेट 1 जो है वो इंडिया का पहला कार्टोग्राफी मतलब मैपिंग आपकी सैटेलाइट थी। ठीक है बच्चों, श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, कब, मई 2005 में, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये बताएं हु प्रपोज दैट ऑल मैटर वॉज कम्पोज ऑफ एटम्स दैट आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसने प्रस्तावित किया कि सभी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से बने थे जो कि अविभाज्य और अविनाशी इमारत ब्लॉक है? जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड, हंस आपका गेनर या फिर जॉन डाल्टन? बताएं भाई जल्दी से, केमिस्ट्री का सवाल है ये थोड़ा सा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, डाल्टन ने भाई, ठीक है ना, तो डाल्टन ने ही ये बोला था। जे.जे. थॉमसन क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है चलिए, नेक्स्ट इज, हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विद अ मेमोरी टू होल्ड बोथ अ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक आपका डिस्क्राइब्ड आप जो भी है भाई ईडी वीएसी इसको आप पढ़ लो
आंसर बताइए मुझे, थॉमस एच फ्लावर्स, आर्थर सेम्यूल एंड योर ब्लैक्सले पार्क या फिर जॉन वॉन न्यूमैन, बताएं भाई जल्दी से करेक्ट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट आंसर इज बच्चों जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, सो ईडीवीएसई आपका फुल फॉर्म तो मैंने लिखा ही हुआ है, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है जो कि जॉन आपके न्यूमैन ने बनाया था। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज ये बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स हैज बिकेम द फर्स्ट फर्स्ट जोनल रेलवे इन द कंट्री टू हैव फंक्शनल एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन ऑन द नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा जोन नेटवर्क में कार्यात्मक ऊर्जा तथस्थ रेलवे स्टेशन वाला देश का पहला जोनल रेलवे बन गया, बताओ भाई। नॉर्दर्न रेलवे जोन्स, आपका सदर्न साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, करेक्ट आंसर इज। बच्चों साइंस या सीए दोनों आप पैरेलली लेके चल सकते हो, करंट अफेयर्स बेस्ड साइंस एंड टेक आपका आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड साइंस एंड टेक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर इज बता देती हूँ ऑप्शन नंबर टू। ठीक है बच्चों, सो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जो है पहला जोनल रेलवे बन गया कंट्री में जिसका एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशन का पूरा आपका क्या है नेटवर्क पे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ स्मृति मंधाना इन द लेटेस्ट आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो फरवरी 2020 में रिलीज हुई थी, उस रैंकिंग के हिसाब से मुझे बता दो, 3, 4, 5 या 6, बताएं भाई जो भी लोग आईपीएल देखते हो, क्रिकेट देखते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सीएचएसएल के लिए भी बच्चों करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस तो सभी के लिए आपकी क्या होती है, फ्रूटफुल होती है। आप बिल्कुल जहां से नॉलेज मिले हमें ले लेनी चाहिए, है ना। करेक्ट आंसर इज बच्चों 4th प्लेस थी। ठीक है उनकी तो करंट का ही थोड़ा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, मैं स्लाइड चेंज कर लू। हाँ जी, सो विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, बता दीजिए भाई सबसे वार्म जो है वो कौन सी है, बता दें बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, थर्मोस्फेयर। सो बेस्ड ऑन द टेम्परेचर प्रोफाइल इन द एटमोस्फेयर, जो थर्मोस्फेयर है इट इज प्रेजेंट अबव द मीजोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर में आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द हाइट। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट इज द सीक्रेट जूमा मिशन फॉर यूएस गवर्नमेंट वॉज लॉन्च ऑन द बोर्ड ऑफ स्पेस एक्स डैश रॉकेट, फाल्कन 9, फाल्कन 1, फाल्कन 3, फाल्कन 5। ये तो बहुत करंट अफेयर्स में था, सबको पता होना चाहिए। Yes. बता दे भाई थोड़ा बहुत भी इलॉन मस्क के बारे में जिसको पता हो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। यस, बहुत बढ़िया। सो ये तो सभी को पता है, इसके बारे में तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर केमिस्ट्री, फर्स्ट इन 1958 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंसुलिन मॉलिक्यूल एंड सेकेंड इन 1980 फॉर हिज कोलैबोरेटिव वर्क ऑन बेस सीक्वेंस इन द न्यूक्लिक एसिड विद द पॉल बर्ग एंड वॉल्टर गिलबर्ट, भाई बता दीजिए किसको दो बार जो है नोबेल मिला है केमिस्ट्री में बच्चों, फ्रेडरिक सेंगर, हेनरी बेकरल, मैरी क्यूरी या एंटोनी लवोसियर, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, तो फ्रेडरिक सेंगर जो है इनको दो बार केमिस्ट्री में आपका क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया उसी के लिए। चलिए भाई, हेनरी बेकरल को बच्चों रेडियो एक्टिविटी के लिए अवार्ड मिला था, मारी क्यूरी को तो आपको पता ही है रेडियम और पोलोनियम के लिए। ठीक है, और एंटोनी लवोइसियर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ये बताएं, What is the set of instructions forming a program which is executed by a computer called? एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित एक प्रोग्राम बनाने वाले निर्देशों का समूह क्या है? Language, code, syntax या error? Correct answer is code। भाई यहाँ पे तो सारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर खुश हो गए होंगे, है ना।
तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बच्चों, जो कि एक प्रोग्राम बनाता है जो कि एक कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे कोड बोला जाता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होता है, रेफर्स टू द ग्रामर एंड द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एरर तो सबको पता ही है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिकल प्राइस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, समरूप लागत निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और नो ऑप्शन इज करेक्ट। बता दे बच्चों जल्दी से, बिल्कुल ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि सेशन आपको लाइक करना है भाई। अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करो बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, प्योर कॉम्पिटिशन क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, बायर्स होते हैं और सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, और बाय और सेलिंग वाला काम आपका चल रहा होता है। ठीक है बच्चों, आइडेंटिकल प्राइस जो है वो प्रिवेल कर रही होती है आपकी मार्केट में, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये बता दीजिए भाई, ये जो भी जिस भी नंबर का ओलंपियाड है ये जो है आपका, वो कौन सी सिटी आपकी होस्ट करने वाली है, बता दीजिए, लॉस एंजलिस, मॉस्को, हेलसिंकी या फिर पेरिस। द करेक्ट आंसर इज कहाँ होगा ये ओलंपियाड। हाँ जी बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन आपका, ये 2028 वाला जो समर ओलंपिक्स है वो इसका ये दूसरा नाम है बच्चों। ठीक है, और इसको LA 2028 भी बोला जाता है, राइट। हाँ जी, आगे बताएं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम PPRTS टू इनेबल द एप्लीकेंट्स टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट्स। आसान सा सवाल है, करंट में था काफी, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, CIC या CVC, बताएं बच्चों। हाँ जी, इस सवाल का सही उत्तर दें, द करेक्ट आंसर इज, बहुत बढ़िया शुभम, वेरी गुड, सो द करेक्ट आंसर इज योर इलेक्शन कमीशन। ठीक है भाई, तो आपका क्या है ये, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रजिस्टर, अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप अप्लाई करेंगी उसको ऑनलाइन वो ट्रैक कर सकती है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 से ये नॉर्म्स जो है ये फोर्स में आपके आ गए हैं। चलिए भाई आगे, हु विल टेक द चार्ज, या किसने चार्ज लिया जनवरी 2020 में, किसका बच्चों, VC ऑफ इंडियन आर्मी, बता दो भाई, रणबीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवाने, SK सैनी या देवराज अनबू, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री, SK सैनी, 2020 का है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो वो आपके नए VC बने, 25 जनवरी 2020 को उन्होंने चार्ज लिया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग won the outstanding performance by a female actor in a drama series award at the 26th annual Screens Actors Guild Awards, Halle Berry, Jennifer Aniston, Sandra Bullock ya Katie Holmes, bataye bhai kisko mila award bachcho, kisko mila ye award outstanding performance ka, aapka 26th annual Screen Actors Guild Award, correct answer is, chalo main bata deti hu, जेनिफर एनिटसन। ठीक है, इन्हीं को मिला बच्चों, इतना तो आप लोगों को ध्यान रख लेना है या रख लेना है, राइट। नेक्स्ट, ये बताओ जनवरी 2020 में आपके होम मिनिस्टर जी ने एक बुक जो है वो रिलीज की थी, कर्म योद्ध ग्रंथ, है ना, किसकी लाइफ पे ये बुक जो है वो बेस्ड है, बताएं, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी या नरेंद्र मोदी, कर्म योद्ध ग्रंथ, बताएं जल्दी से, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, नरेंद्र मोदी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट इज, ये बता दो भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द रॉकेट लॉन्च्ड बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ऑफ इसरो टू स्टडी चेंजेस इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द एक्लिप्स, रोहिणी 300, रोहिणी 1000, रोहिणी 200 या फिर रोहिणी 100, करेक्ट आंसर इज, बताएं भाई, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को जब एक्लिप्स होती है, जब आपका क्या होता है बच्चों,
मैं बता देती हूँ करेक्ट आंसर, रोहिणी 200, राइट। तो नेम, इट वॉज द नेम ऑफ द रॉकेट जो कि आपके अर्थ के अपर एटमोसफेयर में जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं उनको क्या स्टडी करने के लिए बनाया गया था, थुम्बा से इसको लॉन्च किया गया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ये बताएं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लान टू इन्वेस्ट नियरली 1 बिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 years टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स, वीजा, मास्टर कार्ड, कैपिटल वन, सिटी बैंक। बता दें भाई, थोड़ा सा इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बड़ा बैंकिंग जैसा सा क्वेश्चन है ये, ऐसे पेपर बैंकिंग रिलेटेड जो भी आपके पेपर होते हैं उनमें ऐसे सवाल ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, सो हम अपने जेई वाले पेपर के लिए तो इसे स्किप कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज मास्टर कार्ड, इसको तो नहीं डिस्कस किया जाएगा, ठीक, हार्डली ऐसे सवाल बनते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट ये बताएं, थीम क्या थी आपकी इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2020 की, स्मार्ट बॉर्डर्स फॉर सीमलेस ट्रेड ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, कस्टम फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रोस्पेरिटी एंड द प्लैनेट, अ सिक्योर बिजनेस एनवायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर डेटा एनालिसिस फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। द करेक्ट आंसर इज, थीम बताएं बच्चों, ये इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, थीम बेस्ड क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कस्टम फोस्टरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपल प्रोस्पेरिटी एंड द प्लैनेट, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम डे जो है वो आपका 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन, नीलम संजीवा रेड्डी, बता दीजिए भाई। करेक्ट आंसर इज, बच्चों आप लोग सेशन को लाइक भी कर सकते हो अगर सेशन में आप लोगों को मजा आ रहा है तो, बहुत कम लाइक्स हैं भाई। बताएं निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबे समय तक आपका सेवारत राष्ट्रपति, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई, हां जी ठीक। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले आपके राष्ट्रपति थे और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी भारत के रहे हैं, लॉयर थे बाय प्रोफेशन, ठीक है भाई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी रहे, और आपका 1946 में मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भी थे ये, ठीक है बच्चों। हाँ जी आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन मिशन या माउंटबेटन प्लान, किसने रिजेक्ट कर दिया था, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए सरकार का संसदीय स्वरूप के विचार को खारिज कर दिया था, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन या फिर माउंटबेटन प्लान। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइमन कमीशन, ठीक है भाई, 1927 में आई थी, इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हु अमंग द प्रोमिनेंट फेसेस हु सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम द फ्रंट, बताएं भाई विद्रोह का समर्थन करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन से थे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, आपका ह्यू ग्रोव्स या फिर मेजर विलियम टेलर, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई या नन ऑफ द अबव, नोटा, बताएं भाई बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है भाई, सो मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जो थे वो प्रोमिनेंट लीडर्स थे आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 के, इनके अलावा बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तांतिया टोपे, बेगम, हजरत महल भी थे, ठीक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोएट ऑफ मोहम्मद गजनवी, ये बताएं कि इनमें से महमूद जो गजनवी के आपके दरबारी जो थे वो कौन थे, अमीर खुसरो, हजन निजामी या अबू लैला अल मुहाल या फिरदौसी, बहुत बार सवाल पूछे गए हैं ये तो। वेरी गुड इवनिंग भाई, फिरदौसी, ठीक है बच्चों, तो फिरदौसी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ महमूद गजनी, ठीक है, आपकी फिरदौसी जो है पर्शियन लिटरेचर में ऐसा सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड पोएट के तौर पे माने जाते हैं, राइट। अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और अल बरूनी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ महमूद गजनी। चलिए नेक्स्ट, जीवक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ अजात शत्रु, बिंबिसार, उदयन या कालशोक, बताओ भाई किसके दरबार में चिकित्सक थे,
बता दें बच्चों, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ऑप्शन नंबर टू, बिंबिसार। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं एज इट इज, याद तो करने पड़ेंगे ना। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट? बताएं बच्चों, आसान सा सवाल है ये तो। बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर इज, आसान सा है बच्चों, प्रेसिडेंट करते हैं, सभी को पता है। ठीक है, और 6 साल का उनका टेन्योर होता है और 65 ईयर्स उनकी मैक्सिमम एज होती है, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से रिटायरमेंट उनका होता है। नेक्स्ट, ये बता दें भाई, कालिया स्कीम जो है वो कौन से स्टेट से आपका, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू मर्ज इट्स फ्लैगशिप स्कीम कालिया स्कीम विद पीएम किसान। तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि कालिया स्कीम जो है कौन से स्टेट ने लॉन्च की थी। बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, बता दें। करेक्ट आंसर इज उड़ीसा, सबको पता होगा भाई, ये तो आसान सा सवाल है, करंट में बहुत रहता है। ठीक है, किसके लिए थी बच्चों? स्मॉल फार्मर्स से रिलेटेड थी आपकी ये जो कालिया स्कीम थी वो, राइट? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ये भाई, मिस यूनिवर्स 2019 में किसे बनाया गया? बता दो भाई जल्दी से, कैटरीना ग्रे, गैब्रियला इजलर, जोजिबिनी तुंजी या फिर मेगन यंग? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, 2019 में किसको बनाया गया था बच्चों मिस यूनिवर्स? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, तो ये कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो कि आपके एसएससी जेई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और आपके रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल थे। सो आई एम अज्यूमिंग कि सेशन जो था वो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है बच्चों, सो इसी के साथ सेशन को वाइंड अप किया जाता है। ठीक है, मंडे को 8 PM सेम टाइम पे हमेशा ये सेशन होता है आप लोगों का, स्पेशली फॉर योर एसएससी जेई वाले पेपर के लिए। चलिए भाई, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।